के प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धुबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं निशांत जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। रीवा में आज कलेक्ट्रेट परिसर के पास जमकर हुआ लाठीचार्ज, चले आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया पुलिस ने। प्रदर्शन था NSUI का, नई शिक्षा नीति और पटवारी घोटाले, छात्रवृत्ति छात्रों की समस्याओं को लेकर। आज सुबह से ही रीवा के विवेकानंद पार्क का नजारा बदला हुआ था। छात्र यहां पर एकत्र हो रहे थे, उन्होंने इसकी तैयारी काफी समय से प्रारंभ कर दी थी, जिसके चलते यहाँ पर भारी तादाद में छात्र एकत्र हो गए। हजारों की संख्या में छात्र धीरे धीरे कलेक्ट्रेट परिसर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे छात्रों का काफिला कलेक्ट्रेट परिसर की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी तेज थी। पुलिस ने तमाम इंतजाम करके पहले से ही रखे हुए थे। वाटर कैनन के जरूरत पड़ने पर प्रयोग करने की बात हो, या फिर आंसू गैस के गोले की बात हो, या फिर लाठीचार्ज की, पुलिस के तमाम इंतजाम थे। जैसे ही NUSI के बैनर तले छात्र नई शिक्षा नीति का विरोध करने कलेक्ट्रेट परिसर के पास पहुंचे, कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने का प्रयास छात्रों ने जैसे ही किया, पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। जब छात्र नहीं रुके तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद लाठी चार्ज किया। छात्र उसके बाद भी नहीं माने, छात्र वहां से हटने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते छात्रों को पकड़कर पुलिस लाइन लेकर पहुंच गई। बाकी बचे हुए छात्रों के ऊपर हल्का बल प्रयोग करके पुलिस ने उनको वहां से तितर बितर कर दिया। आज बिल्कुल पुख्ता तरीके से कहा जा सकता है कलेक्ट्रेट परिसर का नज़ारा आज बिल्कुल बदला हुआ था। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर से कहना था, पुलिस ने हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, जमकर लाठी चार्ज किया, भद्दी भद्दी गालियां दी। छात्रों का कहना था, सरकार कुछ भी कर ले, कितनी भी लाठियां चलवाए, कुछ भी करे, जेल ले जाए, जो कुछ कर रहा है वो सब कर दे, लेकिन हम 2023 के चुनाव में इसी सरकार को जवाब देंगे। छात्रों ने आज हमारे ऊपर जो कुछ किया है, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले चलवाए, वाटर कैनिंग की, तमाम वो काम जो सरकार कर सकती थी, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग जो भी कर सकती थी उसने किया। आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में छात्र जमकर एकत्र थे, उन्होंने जिस तरीके से आज जोरदार प्रदर्शन किया, इस तरीके का नज़ारा रीवा शहर ने काफ़ी अरसे बाद देखा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस की तैयारी भी पुख्ता थी। पुलिस का कहना था, छात्र उपद्रव कर रहे थे, हमने रोकने की कोशिश की, जब छात्र नहीं माने, उनका उपद्रव बंद नहीं हुआ, तो हमने हल्का फुल्का लाठी चार्ज करके छात्रों को इधर उधर कर दिया। कुछ छात्र नहीं माने, उनको हमने पुलिस लाइन में रखा है। फिलहाल पुलिस साफ तौर से बल प्रयोग करने की बात को इनकार कर रही है। इस बारे में हमने एडिशनल SP अनिल सोनकर से भी बात की। सुनिए आशुतोष चौके से प्रदेश अध्यक्ष NSUI और एडिशनल SP अनिल सोनकर ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिया है जिससे पूरे प्रदेश के लाखों लाख छात्र आज परेशान है। इस शिक्षा नीति में आप देखेंगे कि वाहवाही लूटने के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जो है चलते कोरोना काल में जब कॉलेजों में क्लासेज नहीं लग रही थी, उस शिक्षा नीति को लागू कर दिया। आज उस शिक्षा नीति के बारे में आप पता करने जाएंगे तो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को, रजिस्ट्रार को, HOD को, एग्जाम कंट्रोलर को, या चले जाओ किसी प्रचार या प्रधान अध्यापक को, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज जो है
बिना तैयारी के शिक्षा नीति का इन्होंने जो यहाँ पर लागू करी उससे प्रदेश के लाखों लाख छात्र परेशान है, उसको लेकर आज हम यहाँ पर लामबंद हुए थे, एकत्रित हुए थे। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा कि 13 लाख अभ्यर्थियों के साथ शिवराज सिंह चौहान ने जो कुठाराघात उनकी भ्रूण हत्या करने का काम किया है पटवारी घोटाले के माध्यम से, उसकी मांग को लेकर, उसमें CBI जांच हो उसकी मांग को लेकर, और जो SC ST OBC के छात्रों को लगातार जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उसकी मांग को लेकर आज हम यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन उसके बावजूद हमको यहाँ पर पुलिस ने, शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने जो है बर्बरता पूर्वक आंसू गैस के गोले आप सब साक्षी आपके कैमरों के सामने चलाए। आतंकवादियों जैसा व्यवहार आंसू गैस के गोले चलाकर किया जाता है, वाटर कैनन चलाई, लाठीचार्ज जो है अभी आपने देखा, शांतिपूर्वक गिरफ्तार होकर जो है हमारे छात्र जा रहे थे उनके ऊपर लाठी चलाने का काम करा, उनको गालियां भद्दी गालियां देकर संबोधन करने का काम ये पुलिस कर रही है। लेकिन 2023 के चुनाव में प्रदेश के जो लामबंद युवा है जो सोचे थे वंचित है पीड़ित है शिवराज सिंह चौहान की सरकार की कुनीतियों से, वो 2023 में जो है ताल ठोक कर जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसी कईयों लाठियां चलवा लीजिए शिवराज सिंह चौहान, लाठियां चलवा लीजिए, जेल भरवा लीजिए, लेकिन ये छात्र जो है, युवा जो है, ये अब घर बैठने वाला नहीं है, ये आपकी सरकार गिराकर ही जो है दम लेगा। आप लोगों ने पुलिस की बैरिकेड्स तोड़े हैं, जिससे गुस्साए पुलिस ने आप लोगों पर लाठी चार्ज किया। देखिए पुलिस ने खुद, आप वहां देखेंगे कि पुलिस खुद जो है अपने हाथ से बैरिकेड गिराने का काम कर रही है। पुलिस ने जानबूझकर जो है कलेक्ट्रेट के गेट पर बैरिकेड करने का काम किया, ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि पुलिस की सोची समझी साजिश है, ताकि छात्रों पर किस प्रकार से जो है मुकदमे लादे जा सके, इसकी तैयारी पुलिस ने की थी और ये सोची समझी पुलिस की साजिश है। आंसू भाई, NSCI के कार्यकर्ता जो है आज ये कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए एकत्र हुए थे और जुलूस के रूप में आए और कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किए और जो बैरिकेटिंग लगी थी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, तो उनको जो उग्र थे उनको पकड़ के गिरफ्तार किया गया। CSP रीवा जो है उनको पकड़ के पुलिस लाइन गिरफ्तार करके ले गई है, कुछ और जो लोग थे उनको पुलिस ने हल्की केलिंग करके उनको तिर-बितर कर दिया। क्या वजह पड़ेगी गिरफ्तार करने के बाद लाठीचार्ज किया गया? गिरफ्तार करने के बाद कहाँ लाठीचार्ज है? नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन जो लोग